इसे पूर्व रेलवे की दोहरी नीति कहें या जोन और डिवीजन मुख्यालय बंगाल में होने का खामियाजा, परीक्षा हो या लोक परंपरा से जुड़ा कोई अवसर, बंगाल में स्पेशल ट्रेन तो चला दी जाती है, कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बिहार क्षेत्र में वैसी ही स्थिति पर न सुविधाएं दी जाती हैं, न फीडबैक या सर्वे कराया जाता है। हालिया उदाहरण सिपाही भर्ती परीक्षा का है। पूर्व मध्य रेलवे यानी हाजीपुर जोन ने अपने क्षेत्र में 17 स्पेशल ट्रेनें चलाईं, लेकिन पूर्व रेलवे ने एक भी ट्रेन नहीं चलाई, क्योंकि पूर्व रेलवे के क्षेत्र में पड़ने वाले बिहार के हिस्से के लिए जोनल मुख्यालय में न कोई फीडबैक है, न ही कभी इसे गंभीरता से लिया जाता है। उधर बंगाल में गंगा सागर मेला के लिए एक दो नहीं बल्कि लगभग एक दर्जन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पहले ही कर दी गई है, जो बंगाल के विभिन्न हिस्सों से चलेगी। कुछ दिनों बाद ही मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो जाएगी। बंगाल क्षेत्र में मैट्रिक की परीक्षा से पहले स्पेशल ट्रेन और नियमित चलने वाली ट्रेनों की अतिरिक्त स्टॉपेज की घोषणा भी कर दी जाती है। बिहार की मैट्रिक परीक्षा के लिए नई ट्रेन क्या स्टॉपेज की भी घोषणा नहीं की जाती। जोन की नज़र में यह रेल क्षेत्र कितना उपेक्षित है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस तरह का फीडबैक भी नहीं लिया जाता है। पिछले साल होली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा के मौके पर गांधीधाम सहित कुछ जगहों से भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन घोषित हुई, लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि गांधीधाम या अन्य जगहों से जो ट्रेनें घोषित हुई हैं, वह उस जोन ने होली की भीड़ को देखते हुए त्यौहार के पहले वहां से आने वाले यात्रियों के लिए चलाने का निर्णय लिया गया था। होली के बाद की भीड़ के लिए पूर्व रेलवे ने अपनी ओर से भागलपुर रेलखंड पर कोई ट्रेन नहीं दी। छठ और दिवाली के मौके पर भी यही होता रहा है। बीती परीक्षा में कोई इंतज़ाम भले ही न हो पाया हो, लेकिन भविष्य में इसकी चिंता की जानी चाहिए। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।